आप सभी का हमारे वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आप यह जो सामने देख रहे हैं, बहुत सारे मंडप और हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु परिक्रमा कर रहे हैं। यह जगह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के ब्यासी स्थित गांव में है और यहां पर बहुत ही बड़ा श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जो कि 4 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक चलेगा। और इस यज्ञ की सबसे खास बात यह है कि इसमें 151 मंडप बने हुए हैं और 1051 हवन कुंड बने हुए हैं। और यह 82 गांव में, बलिया से लगभग 7 किलोमीटर दूर 82 गांव में यह महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। आइए आपको विस्तार में दिखाते हैं। साउंड की बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, आप लोगों को साउंड हो सकता है ना सुनते हैं आओ। बलिया में 82 नगर से बहुत ही बड़ा यज्ञ हो रहा है, श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ। यहाँ जी श्री जी स्वामी जी महाराज जी करा रहे हैं बलिया का सबसे ऐतिहासिक महायज्ञ, आज तक का सबसे बड़ा महायज्ञ। आज तक हम लोग सुनते आए थे कि महायज्ञ क्या होता है, यहाँ आके समझ में आ रहा है कि महायज्ञ इसे ही कहते हैं। आज तक हमने अपने जिंदगी में ऐसा यज्ञ कभी नहीं देखा था। हमारे पिताजी भी कह रहे थे कि मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा महायज्ञ कभी नहीं देखा था। जो लोग बलिया से बाहर है वो भी यहाँ का दर्शन कर सके, इस पवित्र नगरी का, इस पवित्र धाम का। यहाँ पे हमारे बहुत ही बड़ा धाम आ चुका है इस बलिया नगर में, हमारे भृगु क्षेत्र में, बाबा बालेश्वर नाथ के क्षेत्र में। इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन हुआ है कि जो लोग यहाँ पे आए सच में वो लोग आज धन्य हो गए। जो लोग नहीं आ पाए इस वीडियो के माध्यम से वो लोग धन्य हो जाएंगे। आप लोग जरूर दर्शन करिए। यह जो नजारा है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसा नजारा हमने तो क्या हमारे पिताजी ने भी, हमारे दादाजी ने भी आज तक नहीं देखा। बलिया की धरती पर इतना बड़ा महापर्व का आयोजन हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, हमारी सनातन संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए गर्व की बात है। और बहुत ही खुशी हो रही थी हमें इस वीडियो को बनाते हुए। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि इसमें छोटे छोटे बच्चे और जो 5-5 साल के बच्चे हैं उनको भी लेकर उनके माता पिता इस महायज्ञ के महापर्व में शामिल हुए थे। और यह बहुत ही खुशी की बात थी और लाखों की संख्या में शामिल हुए थे। और यह लाखों की संख्या में जब एक साथ सनातन धर्मी एक साथ जब आते हैं और किसी महापर्व का आयोजन करते हैं तो वह भव्य नज़ारा पूरी दुनिया देखती रह जाती है। और बलिया का यह अद्भुत दृश्य बलिया के लिए, बलिया की धरती के लिए बहुत ही गर्व की बात थी और काफ़ी खुशी हो रही थी हमें इस वीडियो को बनाते हुए। आप देख सकते थे कि तीन अलग अलग लाइनें बनाई गई थी परिक्रमा मार्ग के लिए, जिसमें पुरुषों के लिए एक लाइन और दो महिलाओं के लिए लाइन बनाई गई थी, क्योंकि महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। और मंडाल का दृश्य अद्भुत था, जिसे देखते ही मन मोह जाता था। काफ़ी अद्भुत पंडाल बनाए गए थे, 151 पंडाल सोचने लायक थे, देखने लायक थे और उनका नज़ारा अद्भुत था। यह वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो अपने और भी लोगों को दिखाइए और हिंदू धर्म को, सनातन संस्कृति को बढ़ावा दीजिए। जो लोग बलिया में नहीं थे, जो इस महा आयोजन में, महापर्व में शामिल नहीं हो पाए, उन लोगों तक ही इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो लोग भी जान सकें कि इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा महापर्व हमारे बलिया की धरती पर, उत्तर प्रदेश की बलिया के जिले के इस ब्यासी गांव में आयोजन किया गया। और यह हमारे लिए बहुत ही उल्लास की बात है, खुशी की बात है। आप देख सकते हैं वेद पाठ लिखा गया है, इसके अंतर वेदों का पाठ किया जाता है। जो लोग हवन करते हैं वहाँ पे बहुत सारे दूर दूर से ब्राह्मण आए हुए हैं जो उन वेदों का पाठ करते हैं और आपके नाम से हवन करते हैं। काफ़ी खुशी हो रही थी हमें इस दृश्य को देखते हुए, मन नहीं भर रहा था, हम कितना दिखाएं आपको। आप हमें ये बताइए कि कौन कौन आप लोगों में से इस महापर्व में शामिल हुआ था। आप देख सकते हैं कुछ महिलाएँ हैं जो पूजा कर रही हैं, जो हवन कुंड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो वहां तक नहीं, उस हवन कुंड में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, अपनी पूजा को नहीं कर पा रही हैं, वो लोग अपनी पूजा कहीं भी कर सकती हैं। और आप
देख सकते हैं काफ़ी खुशी हो रही थी हमें। आप बताइए कौन कौन इस महापर्व में शामिल हुए आप लोगों में से, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि कौन कौन आना चाहता था और कौन कौन नहीं आ पाया, और जो आया तो उसे क्या अच्छा लगा। एक बार कमेंट में हिंदू धर्म की जय, जय श्री राम ज़रूर लिखें। काफ़ी अद्भुत नज़ारा, हम कितना वीडियो बनाएं हमारा ही मन नहीं भर रहा था वीडियो बनाते हुए। हम सोच रहे थे कि पूरी दृश्य को एक साथ कैद कर लें, लेकिन नहीं कर सकते थे क्योंकि इतना ज़्यादा फैला हुआ है, इतने बड़े एरिया में बनाया गया है कि हम अगर पूरा दिन कवर करते रहे कैमरा लेके तो नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 60 साल से भी ऊपर के लोग इस परिक्रमा में शामिल हुए हैं, और बहुत सारी औरतें शामिल हुई हैं, बहुत दूर दूर से लोग, बलिया से लगभग 400-500 किलोमीटर दूर से भी लोग आ रहे हैं और इस महापर्व में शामिल हो रहे हैं, पुण्य के भागीदारी बन रहे हैं।